आम आदमी पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसी बातें आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने कही, जिसके बाद तो इस बात की चर्चा होने लग गई कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है, क्या सच में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें कही गई। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तो केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे। बीजेपी पहले ईडी के जरिए हमें डराने की कोशिश कर रही थी, अब वो सीबीआई के जरिए ये काम कर रही है, लेकिन हम कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने दावा किया कि कुछ दिनों में सीबीआई का नोटिस आएगा और वो सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी। इसके बाद ईडी भी केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी। हम सब देख रहे हैं कि पिछले 2-2.5 महीने से एक एक करके अब 7 बार अरविंद केजरीवाल जी को ईडी का नोटिस आ चुका है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को समझ में आ गया है कि वो ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार सीबीआई को सामने लेके आ रही है और अब सीबीआई के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की कोशिश करने वाली है। हमारे पास विश्वसनीय सूत्रों से यह खबर है कि सेक्शन 41 सीआरपीसी में सीबीआई का नोटिस या तो आज या तो मंडे को अरविंद केजरीवाल जी को आएगा और उस नोटिस के बाद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा सीबीआई के द्वारा। और एक बार सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया तो जैसे मनीष सिसोदिया जी को, विजय नायर जी को, सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद कुछ ही दिनों में ईडी द्वारा भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमें बार बार एक ही संदेश आ रहा है कि कांग्रेस के साथ अलायंस मत करो, सीट शेयरिंग मत करो, इंडिया अलायंस से दूर हट जाओ, वरना अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई द्वारा आने वाले कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ एक ही चीज कहना चाहती हूं, आप हमें जितने नोटिस भेज लीजिए, आप हमें जितने समन भेज लीजिए, आप आम आदमी पार्टी के हर नेता को गिरफ्तार कर लीजिए, आप हमें फांसी से टांग दीजिए, लेकिन हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अपने सर पे कफन बांध कर निकले हुए हैं। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को शुरू से ही ये कॉन्फिडेंस था कि ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अलायंस नहीं होने वाली है और ये बड़े खुश थे इस बात से कि इनका अलायंस नहीं होने जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि अलायंस की बातचीत, अलायंस की चर्चा काफी अच्छे तरीके से प्रोग्रेस हुई है और लगभग अलायंस अपने फाइनल प्रारूप में पहुंच गई है। यह सुनते ही भारतीय जनता पार्टी शॉक में आ गई, उनकी सारी जो खुशियां थी वो टूट गई। अब ये आपस में बैठ के अपने पूरे स्ट्रैटेजीज को, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज को रीडिजाइन किए। इनको रीडिजाइन करने की क्या जरूरत पड़ गई, कई सारे स्टेट्स हैं जिसमें गुजरात भी है, गोवा भी है, दिल्ली भी है, कई सारे स्टेट्स हैं जहां पर इनके जो पॉलिटिकल इक्वेशन थे वो अब खराब हो गए। तो पहले अरविंद केजरीवाल जी को ये गिरफ्तार तो करना ही चाहते थे, बहुत पहले से इनकी तैयारियां चल रही थी, 2 साल से तैयारी चल रही थी, लेकिन अभी रिन्यूड पॉलिटिकल सिचुएशन में, नई राजनीतिक परिस्थिति में इन्होंने कहा कि अब ये ईडी के थ्रू जो ये काम चल रहा था, जो इल्लीगल नोटिसेस थे, वो काम नहीं कर रहा है, तब अब ये सीबीआई को सामने लेकर आए हैं और अब सीबीआई के माध्यम से माननीय अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसा कि सौरभ जी ने बताया कि 41A सीआरपीसी के तहत उन्होंने अपना प्लान बनाया है और अंदर ही अंदर कई लोगों के माध्यम से ये मैसेज भेज रहे हैं कि आप अलायंस छोड़ दो, अगर आप अलायंस नहीं छोड़ते हो तो केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लेंगे। मैं इनको एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार तो करने की कोशिश कर रहे हैं और संभव है कि आप गलत तरीके से कर भी लेंगे, लेकिन मुझे लगता है इन्होंने
अपने पॉलिटिकल कैलकुलेशन ठीक से किए नहीं है। जिस दिन अगर ये केजरीवाल जी को गिरफ्तार करेंगे, पूरे देश में सुनामी आ जाएगी, सारे वेल मीनिंग अच्छे लोग रोड में आ जाएंगे और इनके सारे पॉलिटिकल कैलकुलेशन, जो इनको लग रहा है कि केजरीवाल जी अंदर जाएंगे तो पार्टी टूट जाएगी, ये उल्टा पड़ने वाला है। जो भी इनके पॉलिटिकल पंडित है, मैं ये कहूंगा कि अपना कैलकुलेशन ठीक से करो। पहले दूसरी पार्टियों से तुम्हारा पाला पड़ता रहा होगा, अब तुम्हारा पाला अरविंद केजरीवाल से पड़ा है। तो ये चाहे जो मर्जी धमकी दे दे, ये कह रहे हैं कि अलायंस छोड़ दो या अरेस्ट कर लेंगे। आप कर लो अरेस्ट, करो आप अरेस्ट, क्या दिक्कत है? हम ऐसे अरेस्ट से, ऐसी धमकी से डरने वाले नहीं है। अगर डरते तो हमारे इतने सारे नेता जो आज जेल में है, अब तक हम सरेंडर कर दिए होते। हमने हमारी सारे मिनिस्टर, सारे बड़े बड़े लीडर जेल में हैं। इन्होंने पार्टी को खत्म करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। जब हम यहां तक आज तक नहीं डरे, आगे भी डरने वाले नहीं है। हम देश के लिए अलायंस में जा रहे हैं। अलायंस हम अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए नहीं जा रहे, देश के लिए जा रहे हैं। देश के लिए खड़े थे, खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन और सीट शेयरिंग की खबरों के बीच ईडी का सातवां नोटिस केजरीवाल को आ सकता है। इसके अलावा ये जानकारी भी उन्होंने दी कि अब ईडी ही नहीं, सीबीआई भी केजरीवाल को गिरफ्तार करने की प्लानिंग कर रही है। सीबीआई सीआरपीसी 41A के तहत केजरीवाल को नोटिस भेजेगी। इसके बाद सीबीआई भी ईडी के साथ केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश तेज कर देगी। उन्होंने ये भी कहा कि खबर मिली है कि आने वाले 2 से 3 दिन के भीतर केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर गिरफ्तार करने की धमकी से डरा दोगे तो बड़ी गलती कर रहे हो। अरविंद केजरीवाल धमकी से डरने वाले नहीं। कल शाम से कई अलग अलग लोगों के मैसेज भी मिले। इसमें कहा गया शनिवार या सोमवार को अरविंद केजरीवाल को नोटिस आएगा और 2 दिन बाद गिरफ्तारी होगी। अगर केजरीवाल गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं तो इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएं। इस तरीके की बातें सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने कही। आपको बता दें, इससे पहले सीएम केजरीवाल को 6 समन जारी होने के बाद भी वो अब तक पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पेश नहीं हुए। इन समन को छोड़ना केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि लगातार समन को छोड़ना ईडी की धारा 19 के तहत असहयोग के लिए अभियोग की जमीन मजबूत कर रहा है। हालांकि इन सब के बीच कई राज्यों में इंडिया गठबंधन में दरार दिखने के बाद अब उनके नेताओं में आपसी तालमेल कुछ बेहतर होती दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि इस तरीके का दबाव बनाया जा रहा है कि अगर कांग्रेस के साथ मिलोगे यानी इंडिया गठबंधन के साथ रहोगे तो केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया जरा एक बार सुन लीजिए। हमारी सूचना है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या हुआ है जो इतनी जल्दबाजी केंद्र सरकार के अंदर दिखाई जा रही है कि अब ईडी छोड़ो, ईडी का मामला तो कोर्ट में फंस गया है, अब सीबीआई को कहो कि सीबीआई तुरंत इनको गिरफ्तार करे। हमें लोग काफी दिनों से ये बात कह रहे थे, हम लोग मानते नहीं थे, यहां तक पत्रकार साथी भी ये बात कहते हैं कि आप जैसे ही कांग्रेस के साथ मल्टी स्टेट अलायंस करेंगे अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग भी हमें ये बात कह रहे हैं कि अगर अलायंस हुआ तो अरविंद केजरीवाल जेल में गए, और अरविंद केजरीवाल जी को अगर आप लोग बाहर देखना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना बने। यानी बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर घबराहट बहुत ज्यादा है। उनको लगता है अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आएंगे तो जिन जिन राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनानी मुश्किल होगी। ये बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि अजय अब तो 300 पार जा रहे हैं, 370 पार जा रहे हैं, 400 पार जा रहे हैं। 400 पार जाने वाला आदमी अपने
एक्स गवर्नर एक बुजुर्ग आदमी के घर सीबीआई नहीं भेजा करता। सारे ऐलान एक साथ ही होंगे, बातचीत फाइनल स्थिति पे है और मुझे पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ऐलान भी हो जाएगा। अब एक बार फिर से बढ़ते हैं उस अलायंस की ओर जिसका इस वक्त बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है। दरअसल एक दिन पूर्व यानी एक दिन पहले ही यूपी में सपा कांग्रेस के बीच तालमेल बन जाने के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी समझौता हो सकता है। समझौते में आम आदमी पार्टी को 4 सीटें और कांग्रेस को 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। इससे अपोजिशन के नेताओं में बहुत ज्यादा जोश है। भाजपा ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीट पर 2019 में 50% या उससे ज्यादा मत प्रतिशत के साथ जीत दर्ज की थी। ऐसे में ये सवाल बना रहेगा कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भी भाजपा को हरा पाएंगे। अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में 4-3 के फॉर्मूले पर समझौता हो सकता है, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में 4-3 के फॉर्मूले पर समझौता हो सकता है। इसमें कांग्रेस को पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक की सीट मिल सकती है यानी 3 सीट। वहीं आम आदमी पार्टी नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से चुनाव लड़ सकती है यानी 4 सीट। ये है 4-3 का फॉर्मूला, 4 आम आदमी पार्टी और 3 कांग्रेस। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 सीट पर बेहतरीन जीत हासिल की। उसने लगभग 57% वोट प्रतिशत के साथ हर सीट पर जीत हासिल की। बीजेपी के जीते उम्मीदवारों का उनके नजदीकी विपक्षी उम्मीदवारों से जीत का अंतर मत प्रतिशत के अनुसार सबसे कम यानी 23%। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में और अधिकतम यानी 40% पश्चिमी दिल्ली में रहा था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह बार बार कहते रहे कि उनका मकसद हर लोकसभा विधानसभा में 51% से ज्यादा मत प्रतिशत पाना है। ये बात दिल्ली में सही साबित हो गई। पिछले चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने 51% या उससे ज्यादा मत पाए थे। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या आप और कांग्रेस के साथ आकर भी भाजपा को हराया जा सकता है। नई दिल्ली में बीजेपी ने लगभग 55% वोट हासिल किया था। इसके अलावा अगर बात करें चांदनी चौक लोकसभा सीट पर बीजेपी ने 53%, पूर्वी दिल्ली में 55%, दक्षिणी दिल्ली में 56% से ज्यादा, उत्तर पूर्व में 54% और उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर 60% से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेता मुदित अग्रवाल भी अमर उजाला से बातचीत में कहते हैं कि दोनों दलों में सीटों के मामले पर बातचीत अपने अंतिम दौर में है। जो भी फैसला होता है जल्द ही लोगों के सामने आ जाएगा। कांग्रेस हर सीट पर मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन इतना तय है कि दोनों दलों के साथ आने से बीजेपी को हर सीट पर कड़ी टक्कर तो जरूर मिलेगी। दरअसल उन्होंने इस बात की भी उम्मीद जाहिर की है कि इस बार दिल्ली में कांग्रेस बेहतर सफलता दर्ज कर लेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।